समस्तीपुर में शहीद दरोगा नंदकिशोर के घर हाई प्रोफाइल लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। रोजाना अलग अलग दलों के लोग पलासी के दिघली गांव पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा नेता और मंत्री गांव पहुंचे हैं। मंत्री शाहनवाज आलम ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार ने उनके सामने क्या मांगे रखी हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने पलासी के करोड़ दिघली गांव का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने शहीद दरोगा नंदकिशोर यादव के परिवार वालों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है और कहा है कि माटी के लाल की शहादत को दुनिया हमेशा याद रखेगी। वहीं शाहनवाज आलम ने कहा है कि हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा, उसे पाताल से तलाश कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पहले तो अपने आप में ये बहुत दुखद घटना है और जहाँ तक इस परिवार की बात है, खास करके इनका ससुराल जो बाहर बारी में था, मयानंद भाई परमानंद भाई, वर्षों से हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। अररिया ही नहीं, जोकी ही नहीं, पलासी ही नहीं, संपूर्ण बिहार में जो है कि जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी तबके के लोग, पुलिस महकमे के लोग सदमे में हैं। हम सब की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ा ही गर्व से इस अररिया के पलासी के माटी के लाल का नाम लिया जाएगा, जिन्होंने वीरता पूर्वक जो भी लोग थे, जो भी अपराधी लोग थे, जमकर डटकर उनका मुकाबला किया और इसी क्रम में उन्हें वीरगति प्राप्त। सर, 5 रोज हो गए, हत्यारे अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ लोगों का हुआ है और हत्यारे जहां भी छुपे होंगे, पाताल में, आसमान में, जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे और पीड़ित परिवार को, हम तमाम अररिया वासी को, पलासी वासी को, जोकी वासी को हम लोग इंसाफ देने का काम करेंगे।